हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फिलहाल हो रखे हैं अभी सुबह के 5:44 एंड लिटरली मैं अभी अभी उठा हूँ। नींद इतनी ज़्यादा मस्त आई ना, भयंकर। मतलब बेड से नीचे भी नहीं गया हूँ मैं, उससे पहले ही शूट करना स्टार्ट कर दिया। सो आज जल्दी थोड़ा इसलिए उठ गया, मम्मा ने भी उठा दिया था कि आज अमावस्या है तो फिर सुबह सुबह जोत लगा देना। मैं तब तक हलवा बना देता हूँ, पूरी बना देती हूँ, फिर तुम पूजा करके चले जाना दोनों भाई। सो एंड ये तो अभी तक सो ही रहा है, मेरे साइड में ही सुता है आज, मैं यहीं पे सो गया था। सो चलो इसको भी उठाते हैं। प्रतीक उठ, प्रतीक सुन ले आ रहे, खड़ा हो जा, ओ जा रे, सुबह हो गई, खड़ा हो। चलो आ जा, खड़ा हो, चल चल जल्दी। हाँ इसे बोलते हैं गुड बॉयज। अरे बैड बॉयज, खड़ा। देखो गाइस ये कैसे कर रहा है, चल रहे अच्छे से आ रहे, इतनी नौटंकी तो कोई नहीं करता। गाइस अभी तक तो उजाला ही नहीं हुआ है अच्छे से, मतलब अच्छे से नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत होना स्टार्ट हो गया। देखो मेरे पीछे आसमान ब्लू ब्लू सा हो गया है। सो बिल्कुल लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये कैमरे में नहीं लग रहा है इतना अच्छा, बट जो रियल में लग रहा है ना वो ओपी बिल्कुल मस्त लग रहा है। तो ठीक है, तो गाइस अब मैं उजाला होने के बाद ही मिलता हूँ आपको, तब तक मैं नहा लेता हूँ। ये तो मैं लाइट में आ गया इसीलिए दिख रहा है आपको अच्छे से। तो गाइस मैं अभी अभी नहाया था, बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, यूनिफॉर्म वगैरह डाल लिया मैंने एंड चलो लगा देते हैं। सारी चीज़ें तो मैंने रख ली है यहाँ पर, यहाँ पर बत्ती घी डाल लिया, इसमें थोड़े गेहूँ रख लिए हैं एंड ये ओल्ड ट्रेडिशन अपना है ही, माँ उसके दिन ऐसे ही करते हैं हम सब। सो चलो मैं जल्दी से करता हूँ एंड लेट हो जाऊँगा मैं। सो गाइज इट्स राइट नाउ 7:14 एंड अभी अभी मैं रेडी हुआ हूँ। सो बस 7:20 पे बस आ जाती है मेरी स्कूल की, बस 6 मिनट रहती है, मैं जल्दी से भागता हूँ स्कूल बस के लिए, वरना निकल जाएगी। मैं डेली 7:15 7:16 ऐसे निकलता हूँ घर से, क्योंकि स्टॉप पास में ही है ना, सो जल्दी पहुँच जाता हूँ। सो ठीक है गाइज, मैं अभी स्कूल के लिए निकलता हूँ, स्कूल से आने के बाद मिलता हूँ, टिल देन बाय। अभी 4:48 और रखा है एंड बस अभी कुछ नहीं कर रहा था, मैं प्लान कर रहा था चलो अभी व्लॉग शूट कर लेते हैं आगे कुछ नया ट्राई करने के लिए। कुछ नया तो मिला नहीं, बट सबसे पहले एक काम करना है मेरे को और सारे काम बाद में करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, एक बंदा है सब्सक्राइबर है मेरा ही, वो कह रहा है कि फिर से हेड मसाज करो, फिर से हेड मसाज कराओ मम्मा के पास, और अब की बार तो हैवी ऑयल मसाज कराओ, सारी बोतल ही सिर में डाल लो, वो छोटे वाली आती है जो। सो गाइस मैंने बहुत देर हो गया उसे मना करते हुए, आज फाइनली उसके लिए वीडियो सेपरेट बना ही डालते हैं हम, मैं करवा ही लेता हूँ। वैसे भी आज मेरे को मालिश करवानी ही थी सिर में, बहुत दिन हो गया बालों में। सो चलो उसके लिए वीडियो शूट करनी पड़ेगी अब तो। मतलब आई एम वेरी हैप्पी, रिक्वेस्ट आती है तब किसी को उसको मतलब मानने के लिए, उसको उसकी बात मानने के लिए, मतलब उसके लिए वीडियो बनाने में। चलो तो करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मम्मा फ्री तो मम्मा से करवा लेंगे एंड अभी तो डैडी भी आ रखे हैं तो डैडी से करवा लेंगे। चलो गाइस बोतल तो मैंने ले लिया तेल की, अभी डैडी को और बुला लेके आते हैं। डैडी आ जाओ, मेरे सिर में तेल डाल दो प्लीज, आ जाओ। तो ये क्या काम, नीचे तो डाल रखी है पैंट ऊपर कुर्ता, आ जाओ मेरे वाले रूम में, आ जाओ यहाँ पे, नहीं आ जाओ। और कहाँ पे, सोफा पे बैठूँ या फिर मैं वहाँ पे बेड पे बैठूँ? चलो तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आप ऊपर बेड पे बैठ जाओ, ठीक है? हाँ ये रहते हैं, मैं लेके आता हूँ। हफ्ते में 2 दिन मालिश करने से। एक सेकंड रुको, मैं वो ले आऊं भाग के, अब करो अच्छे से। बोलता है ये आंवले का तेल है, इसे बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। मैंने
35 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। 35 साल से यही काम कर रहे हो आप? हाँ, एयर को मुलायम बनाने का। अच्छा, बहुत अच्छा है। एक बार तो थोड़ा मालिश थोड़ा बस किसने मालिश करा ली, आज मेरा भी बार बार मालिश कराएगा। भाई साहब इतनी सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम। सो गाइस ये देखिए डैडी तो बिल्कुल सैलून वाले बने हुए हैं। ये मस्त काम है। और तेरे डैडी की तो पोजीशन भी ऐसी सैलून वाली ही है, कुर्ता पहन के कुछ है नीचे का। थोड़ी सी ज्यादा डालो, वो सब्सक्राइबर ज्यादा डालने की कह रहा है। लो ज्यादा तेल डालो और यहाँ बिल्कुल ओल तो सिर में सारा। देखो भैया, ज्यादा मालिश, ज्यादा तेल से भी बाल उखड़ जाते हैं, लेकिन ये हिसाब से डलेगा तेल और उसे मालिश करें, इससे बाल सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे, जो कि तो कितने ये बड़े चाइनीज हैं। तरीका है जो मैं ये कर रहा हूँ, ये चाइनीज तरीका है, इंडियन तरीका कम बढ़ते हैं। चाइनीज तरीके से ज्यादा बढ़ते हैं फिर। अच्छा आज गाइस मेरे को डैडी मिल गया, मस्त मजा आ रहे हैं। बहुत देर होगी मालिश करवाते हुए ना। मेरी बारी मम्मा आ भी गई, साइड में आके बैठ गए, मेरे भी करो। मेरी बारी आ गई वे। आप कल करवा लियो, बहुत टाइम है, आप तो घर पे रहते हो। ये क्या हो गया यहाँ पर? यार मेरे बहुत ज्यादा बाल उतरते हैं गाइस, देखो कैसे हो रखे हैं, अभी इतने बड़े लग रहे हैं। मैं कटवा के आता आज, बट ये काम करने लग गया मैं। सही कर रही है ना, डैडी की बेटे की दोनों की पिटाई होने वाली है। काम कुछ करवाते नहीं है, पूरा दिन देखो अक्सरबाजी में भाई, चला जाता ये है काम। मालिश कर रहा है, मैंने मालिश करते करते काफी बढ़ गए हैं बाल भी, अच्छा जादू से। क्योंकि तेल और ये देखो बहुत अच्छा हो गया है अभी। और अभी एक हफ्ते के बाद में दोबारा मालिश शुरू हो जाएगी। चंपी प्यादी के बोले अगले ना, चंपी ओके प्यादी। हाँ, आपके पास ही आएंगे अगले हफ्ते भी। आई ओ कंगी तो मस्त हो रही है। पीछे से कर दी। ले भाई हो गया। अरे ये कैसी काम कर दी? अरे गाइस देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसे तो मैं कभी काम करता ही नहीं, ऐसे एक साइड से आज डैडी ने कर दी। देखो गाइस, आपने कहा था ना काम करवाओ, कैसी हो गई है। कार्टून लग रहा हूँ मैं तो बिल्कुल। अपने ओरिजिनल पोजीशन में आओ। हाँ अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन। गाइस इट्स 6:50 राइट नाउ एंड मैं अभी अभी खेल के आया था, लिटरली मजे आ गए। आज तो हम खुर्द वाले ग्राउंड में गए थे, वहाँ पर बिल्कुल घास लगी हुई अच्छे से, मस्त मजे आ गए। प्रतीक भी गया था एंड मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ गया था। और बाय द वे बालों की आज मेरी बैंड बच चुकी है, इतने चिपचिपे हो रखे हैं ना मैंने, क्योंकि आज ऑयल बहुत ज़्यादा डाल लिया था बालों में, क्योंकि उसके कहने पे कौन था वो, आई थिंक हाँ मैडी जोशी, इट्स माई वन ऑफ द सब्सक्राइबर। बट मैंने उसका रिक्वेस्ट पूरी की, तो गाइस एक लाइक तो बनता है प्लीज़। सो चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।